जय भीम साथियों, दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बाबा साहेब अंबेडकर हमेशा नीले रंग के कपड़े क्यों पहनते थे। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर हमेशा नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते थे। आपने जब भी उनकी कोई फोटो देखी होगी तो आपने देखा होगा वो एक नीले रंग का कोट जरूर पहने रहते थे। तो आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि आखिर बाबा साहेब अंबेडकर नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते थे, या फिर जो भी दलित मूवमेंट होता है भारत में उसका नीला रंग प्रतीक कैसे बन गया, या फिर नीले रंग का राजनीतिकरण कैसे हुआ। तो इस बात को शुरू करने से पहले हमें बाबा साहेब के बारे में कुछ जानना होगा कि बाबा साहेब ने जिस वक्त जन्म लिया था भारत में, उस समय जातिवाद का बहुत ज्यादा बोलबाला था। बाबा साहेब दलित समाज से बिलोंग करते थे, दलित समाज को अछूत समझा जाता था। अगर किसी दलित व्यक्ति ने एक अपर कास्ट वाले व्यक्ति को छू लिया तो यह माना जाता था कि वह अपवित्र हो जाता है और उसे गंगा जल से अपने आप को साफ करके पवित्र करना पड़ता था। यह सब कुरीतियां उस समय बहुत ज्यादा प्रबल थीं और इसे हर व्यक्ति माना करता था। दलित भी अपने आप को अछूत ही मानता था, वह मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकता था, क्योंकि मंदिर में प्रवेश अगर वह करता तो मंदिर भी अपवित्र हो जाता था। स्कूल तो दूर की बात है, वह वहां जा ही नहीं सकते थे। अब आपको पता होगा कि बाबा साहेब बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान थे, उन्होंने भारत का संविधान भी बनाया है। तब ये बहुत आश्चर्य की बात है, एक दलित व्यक्ति उस समय कैसे इतनी बड़ी पढ़ाई कर सकता था कि उसने भारत का संविधान बना दिया। कैसे एक अछूत व्यक्ति ने भारत का संविधान बना दिया जिसे आज पूरा भारत मानता है। तो इस बात का श्रेय जाता है बाबा साहेब के पिताजी को, जिनकी इत्तेफाकन ब्रिटिश आर्मी में नौकरी लग गई थी। अब ब्रिटिशर्स क्रिश्चियन थे और वह इस चीज को नहीं मानते थे, वो छुआछूत को नहीं मानते थे। उन्होंने देखा कि बाबा साहेब में कुछ प्रतिभा है, उन्होंने बाबा साहेब की स्कूल की पढ़ाई स्पॉन्सर की, इस तरीके से बाबा साहेब अछूत होते हुए भी स्कूल जा सके। जब उन्होंने स्कूल की पढ़ाई पूरी करी तब ब्रिटिशर्स ने यह देखा कि यह लड़का बहुत ही ज्यादा होशियार है, तो उन्होंने अपने पैसों से बाबा साहेब को लंदन भेजा, जहां पर उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई पूरी की। फिर लंदन जाकर बाबा साहेब की आंखें खुली, उन्होंने देखा यहां पर तो दूसरा ही समाज है, यहां पर किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं होता। उन्होंने लंदन से बहुत कुछ सीखा और इसी तरीके से हमारा संविधान बनाया। अगर हम अपने टॉपिक की बात करें कि बाबा साहेब हमेशा नीले रंग के कपड़े ही क्यों पहनते थे, तो इसका जन्म भी ब्रिटिश यानी लंदन से ही हुआ। वहां पर जो व्यक्ति काम करता था उसे दो तरीके के जॉब्स में डिवाइड किया गया था, एक था व्हाइट कॉलर जॉब और एक था ब्लू कॉलर जॉब। ये दोनों अंग्रेजी टर्म है, अर्थात व्हाइट कॉलर जॉब का मतलब होता है कि एक बहुत ही रिस्पेक्टफुल जॉब, जहां पर आप आराम से कुर्सी पर बैठकर काम कर रहे हैं और आपको आकर लोग सलाम कर रहे हैं। इस जॉब की बहुत ज्यादा कीमत है, आपकी समाज में बहुत ज्यादा इज्जत है, आप बहुत ज्यादा पैसे कमाते हैं। और दूसरा था ब्लू कॉलर जॉब। ब्लू कॉलर जॉब मतलब कि आपको बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता था, आपको धूप में रहकर काम करना पड़ता था। यह सारे काम करने के बाद भी आपको लोगों को सलाम करना पड़ता था और आपको कोई खास सैलरी भी नहीं मिलती थी। व्हाइट कॉलर जॉब वाले लोगों का जीवन बहुत ही अच्छे से चला करता था, जबकि ब्लू कॉलर वाले जो लोग थे उनके जीवन में काफी परेशानियां हुआ करती थी। परंतु लंदन में व्हाइट कॉलर जॉब और ब्लू कॉलर जॉब आपकी काबिलियत के ऊपर डिपेंड करता था, मतलब अगर आप जिस हिसाब से काबिल हैं उस हिसाब से आपको जॉब मिलता था। अगर आप काबिल हैं तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलेगा, अगर आप काबिल नहीं हैं, अगर आपने मेहनत नहीं करी है तो आपको ब्लू कॉलर जॉब मिलेगा। जब बाबा साहेब ने यह सब देखा तो उन्होंने महसूस किया कि अगर आप भारत में दलित हैं तो आपको बाय डिफॉल्ट ब्लू कॉलर जॉब ही करना पड़ेगा। इससे उनका मन बहुत ज्यादा दुखी हुआ। उन्होंने कहा, भले ही हमारा शरीर नीला क्यों ना हो, पर भारत ने हमें नीले रंग की छाप दे दी है। इसी कारण से उन्होंने इस नीले रंग को अपनी अंतरात्मा में समा लिया और उसको प्रदर्शित करने के लिए हमेशा नीले रंग के कपड़े पहनने लगे। अब आपने देखा होगा कि भारत में जितने भी आंदोलन होते हैं उसमें सबसे बड़ा चेहरा होता है बाबा साहेब अम्बेडकर का। अब जिस बाबा साहब ने नीले रंग को इतना मना था, जो आज के समय में
बहुत से दलित समाज लोग इस्तेमाल करते हैं और उन्होंने माना नीले रंग को दलित मूवमेंट का एक हिस्सा और इसी कारण से नीले रंग का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। इस चैनल पर सिर्फ मैं बाबा साहब से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी जानकारी लेकर आता रहता हूं। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम नमो बुद्धाय।